युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज के 51वीं एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ महाराज की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के 6वें दिन युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रद्धांजलि का यह समारोह हमें हमारे पूर्वजों का स्मरण कराने का अवसर प्रदान करता है। पूज्य संतों ने गोरखनाथ मंदिर और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा क्या सोचा था तथा हमने कितनी दूरी तय की, इन 51 वर्षों में कहां हमने सफलता प्राप्त की और कहां पर हम सफलता से वंचित रह गए, यह चिंतन करना बहुत जरूरी है। हमें अपने उन कमियों का मूल्यांकन करना चाहिए जिसके कारण हम सफल नहीं हो पाए, जिससे उन कमियों का परिमार्जन करते हुए हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके तथा लोक मंगल का कारक बन सके। श्रद्धांजलि का यह अवसर हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम जिस स्थिति में है उस स्थिति को बनाए रखते हुए उसके आगे के विकास के क्रम में सहभागी बन सके, इस हेतु सामूहिक प्रयास करना होगा। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के अधिकतर सपनों को उनके शिष्यों ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज जी ने अपने समय में ही पूरा किया। गोरक्षपीठ का यह स्वरूप महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की प्रगति तथा नाथ पंथ से जुड़े हुए स्थलों के विकास के बारे में चिंतन तथा सनातन धर्म की रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास आज भी हम सभी को सत्कर्तव्य के लिए प्रेरित करते हैं। पूज्य संतों के जीवन का जो परम लक्ष्य अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का था, इन पूज्य दोनों संतों के पावन जयंती के अवसर पर यह निर्माण कार्य भी सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। निश्चित ही पूज्य दोनों संतों को आत्मा को असीम शांति प्रदान होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को अपनी शुभकामना दी। इस दौरान उन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि दिगंबर अखाड़ा अयोध्या धाम के महंत श्री सुरेश दास जी महाराज ने कहा कि जिन महापुरुषों की पुण्यतिथि के अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं, वे संत आजीवन सामाजिक समरसता के लिए प्रयास किए तथा राम जन्मभूमि आंदोलन में समाज के प्रत्येक जाति तथा वर्ग के लोगों के साथ लेकर ऐसा पुण्य कार्य किया गया जिसका संपूर्ण विश्व में कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। इस अवसर पर अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानुचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज कालिका मंदिर नई दिल्ली के महंत सुरेंद्रनाथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवीपाटन मंदिर के महंत योगी मिथिलेश नाथ जी, सतुआ बाबा आश्रम वाराणसी से संतोष दास जी महाराज, विधायक डुमरियागंज राघवेंद्र प्रताप सिंह, महंत शिव नारायण दास, राम मिलन दास आचार्य, शिवकांत जी, प्रथम नाथ पुष्प दंत जैन, आनंद शाही, अवधेश सिंह, विजय शंकर यादव उपस्थित रहे। संपूर्ण कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर के फेसबुक पेज तथा यूट्यूब व गोरखपुर न्यूज चैनल पर लाइव प्रसारण किया गया। एवं वर्तमान में यशस्वी ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच पूज्य संतजनों और विद्वजनों के साथ शोभा यात्रा के रूप में पारंपरिक रूप से पूरे सम्मान और श्रद्धा से सभागार में प्रविष्ट हो रहे हैं। यशस्वी ओजस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी मुख्य अतिथि के रूप में दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से पधारे महान सुरेश दास जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानुजाचार्य, मां सरस्वती की आराधना और वंदना करने के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ महाराज प्रताप पालिका के कार्यालय से लाइन गोरखपुर की छात्रा हूँ। Thank you.
बेहतर पढ़ना
ने किया, मन से जहां पर विदारे के कानून ने महसी बाहे लगा वादना प्रतियोगिता में पढ़े दर्शक ने बात किया, वही संपूर्ण वादना प्रतियोगिता में भी पढ़े दर्शक ने बात किया। यातायात जागरूकता कार्यक्रम में विदारे के साथ में पढ़े दर्शक ने बात किया। पीठाधीश्वर थे उस समय छोटे महाराज जी कहा जाता था ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को, और उनके जीवन का पूर्वार्ध का लंबा कालखंड महाराजगंज छावनी और मंदिर वहां जो है अपना वहां पर उनका बीता था। और मैंने अपने जीवन में किसी संत को उस जमीन से इस स्तर पर जुड़ा हुआ नहीं देखा था जो फर्राटा भोजपुरी भाषा भाषी जमीनी स्तर से जुड़े हुए यहाँ के हरिजनों गिरिजनों छोटे तबके के लोगों सबसे मिलकर के वो जिस तरह से धारा प्रवाह भोजपुरी में बात करते थे। मैंने पूज्य महाराज से वर्तमान मुख्यमंत्री जी से एक बार निवेदन किया था हास परिहास में कि आप सब कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, लेकिन भोजपुरी बड़े महाराज श्री के स्तर की अभी भी आप नहीं बोल पा रहे हैं महाराज जी, जो भोजपुरी लोगों से बात करते थे आपस में, और उनका तो तकिया कलाम था, बहुत खुश होते थे तो पीठ ठोंक करके और पट्टे क्या हालचाल है। उनकी स्मृतियों को ताजा किया है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। और मैं अब सपना जी को आमंत्रित करता हूं दिग्विजयनाथ पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौक बाजार महाराजगंज की प्रिंसिपल श्रीमती सपना जी को। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धे परम पूज्य महाराज जी, श्रद्धे मंच पर उपस्थित संत जन, उपस्थित सम्मानित विद्वत जन, आप सबों को मेरा सादर नमन। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 91वीं व राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज की 6वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर मैं अपने दिग्विजयनाथ बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय परिवार की ओर से व अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ तथा द्वय महाराज जी के बताए हुए मार्गों पर चलने का आजीवन प्रयास करती रहूंगी, इसका आश्वासन देती हूँ। आज शिक्षक दिवस है, इसलिए सभी शिक्षक बंधु एवं शिक्षिका बंधुओं बहनों को मेरा हार्दिक मेरी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्रद्धांजलि का पावन पर्व है। कबीर दास जी ने शायद ऐसे ही समय के लिए दो पंक्तियां लिखी थी, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रो, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रो, हम हंसे जग रो। जय श्री राम। आज मैं राज्य की स्थिति है कि शिक्षा पर्षद ने दोनों के बजट की सुधारण कर सकते हैं। मतलब की स्थापना 1932 में हुई, 88 वर्ष की आयु में भी यह ऊर्जावान है, शक्तिमान है, और समाज की सेवा करने के लिए उसकी संकल्प जगह के आगे बढ़ रहा है। इस ऊर्जा की शक्ति संतुलन अब न केवल मार्गदर्शन दिया, संरक्षण दिया, बल्कि हमारे कार्यों का हमारे प्रगति का अवलोकन किया और उसको आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार का आशीर्वाद, हर क्षेत्र के आशीर्वाद दिया। 1925 में एक महाप्रताप विद्या कॉलेज एक विद्यालय था, आज 4 दर्जन से ज्यादा विद्यालय है, प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक उनका
आशीर्वाद, मार्गदर्शन, संरक्षण और सलाह और निर्देश हमारे लिए फिर उठा रहे हैं। हम उसको उसी तरह ग्रहण करेंगे जैसे कि हम कोई व्यक्ति के मन को ग्रहण करता है। बदलो हमको खास दिक्कत ले, आप लोगों ने अपने अपने संस्थाओं के बारे में जो छोटा मोटा वर्ष दिया था वो मुझे पूरा नहीं था। श्रद्धांजलि बैठ कर आप लोगों को थोड़ी बातें अपने संस्थाओं के बारे में बताएं। आज और फैलावाद को खत्म करके अयोध्या
कि आजमगढ़ और अलीगढ़, ये दोनों नाम उस्मान महाराज जी करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। इसलिए हम उस्मान महाराज जी से बहुत पहले किए थे, महाराज जी को याद हो या न हो, इसकी चर्चा हम बहुत पहले किए थे महाराज जी से। आज महाराज श्री ने उस काम को कर दिखाया है। तो ऐसे युग पुरुष श्री अभयनाथ जी और श्री दिग्विजयनाथ जी के चरणों में पुनः शास्त्रार्थ प्रणाम करते हैं। 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आज के समारोह में उपस्थित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से बहरे श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, कालका जी मंदिर से बहरे श्री महंत सुरेंद्रनाथ जी महाराज, काशी से बहरे सतोबा आश्रम काशी के श्री महंत संतोष दास जी महाराज, महंत रामचंद्र दास जी महाराज, सभी पूज्य संतजन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी प्राचार्य प्रधानाचार्य, प्रभारी और निदेशकगण, वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड में गोरखपीठ और महाप्रताप शिक्षा परिषद अपने पूज्य आचार्य के प्रति उनके पुण्यतिथि कार्यक्रम के कार्यक्रमों को तकनीक का उपयोग करते हुए अनवरत आगे बढ़ा रहा है। और आज ब्रह्मदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं पुण्यतिथि पर शिक्षा परिषद की ओर से श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम उसी श्रृंखला का एक पार्ट है। ब्रह्मदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज इन दोनों महापुरुषों की पुण्यतिथि किसी एक पक्ष के अंदर एक दिन के अंतराल में पड़ती है।
दिग्विजयनाथ जी महाराज ने गोरखस्थी और महाप्रताप शिक्षा परिषद के बारे में क्या सोचा था, इन 51 वर्षों में हमने कितनी दूरी तय की, इन 51 वर्षों में कहां पे हमें सफलता प्राप्त हुई और कहां पे सफलता से हम वंचित रहे। हमारी सफलता एक सामूहिक प्रयास का प्रतिफल, अपनी उन कमियों का मूल्यांकन करना जिसके कारण हम सफल नहीं हो पाए। और उन कमियों का परिमार्जन करते हुए सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना जो लोग मंगल का कार्य कर सके। ये हम सबके सामने सदैव एक चुनौती बनी रहेगी। हमारा प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण, प्रत्येक दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष हमें इसके लिए प्रेरित करता है और कुछ नया पन करने की नीति निरंतर प्रेरित करता रहता है। हम सबको चाहिए आज जब महाप्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए अधिकतर संस्थाओं के प्रधानाचार्य और प्राचार्यगण यहां मौजूद हैं, उन्हें देखना चाहिए। कि जीवन में सफलता के लिए नित नए प्रयास करने पड़ते हैं। आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति को बनाए रखते हुए उससे आगे के विकास के क्रम में आप कैसे सहभागी बन सकते हैं, इसके लिए कार्य करना एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके अपनी संस्था को समाज के लिए और लोगों के लिए उसे लोक मंगल के पथ पर कैसे अग्रसर कर सकते हैं, ये चुनौती हम सबके सामने सदैव बनी रहेगी। हर एक संस्था को इस दृश्य अपना मूल्यांकन करना होगा। आपने देखा होगा कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के अधिकतर स्वप्नों को उनके शिष्य ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज ने अपने समय में पूरा किया। गोरखस्थी का स्वरूप, महाप्रताप शिक्षा परिषद की प्रगति, नाथ पंथ से जुड़े हुए स्थलों के विकास के बारे में सोच, सनातन धर्म और भारत के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए किए गए उनके प्रयास, इसकी पृष्ठभूमि में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का आशीर्वाद, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की प्रेरणा, ये सदैव बनी रही। और इस पद पर महंत अवैद्यनाथ जी महाराज जीवन पर्यंत कार्य करते रहे। जो कार्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए यावत जीवन करते रहे, वही कार्य उसी का प्रतिफल है।
कि जो भी अपेक्षाएं थी उन जसरूपों की वे पूर्ण होती भी दिखाई दी। और मैं निसंदेह बात को कह सकता हूं, पिछला एक वर्ष गोरखपीठ और महाकुमार शिक्षा परिषद ने प्रबले महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 125वीं जयंती के कार्यक्रम के रूप में भी मनाया। पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की शताब्दी वर्ष के रूप में भी मनाया। इन दोनों महापुरुषों एक का 125वीं जयंती थी, एक की शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम वर्ष भर में कार्यक्रम थे। मार्च के बाद इन कार्यक्रमों में थोड़ी बहुत विराम आई होगी क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लॉकडाउन और उसके बाद जिस प्रकार के कार्यक्रम अपेक्षित होने चाहिए थे सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो सकते थे। लेकिन इससे पहले मार्च तक अधिकतर कार्यक्रम संपन्न हुए और इन दोनों महापुरुषों की एक 125वीं जयंती का कार्यक्रम, उसे पूज्य संत की शताब्दी जन्म शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम और उस कार्यक्रम के दौरान उनके जीवन की जो चरम लक्ष्य था, जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस धराधाम पर आकर के उसके अपने जीवन का ध्येय बनाया था, अयोध्या में भगवान राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। इन दोनों महापुरुषों के उस पावन जयंती वर्ष के अवसर पर इन दोनों यह कार्य भी सिद्ध होता हुआ दिखाई दिया और 5 अगस्त को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 592 वर्ष के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया तो स्वाभाविक रूप से पूज्य संतों की आत्मा को भी इसी शांति की अनुभूति भी होगी। उन्होंने ईमानदारी के साथ पूरी निष्ठा के साथ इस आंदोलन को लड़ा ही नहीं उसके रूप जीवन भी जिया। गोरखपीठ और गोरखपीठ से जुड़ी हुई संस्थाएं मनुष्य मनुष्य के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर सकता, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर कोई वर्ग भेद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई छुआछूत और अस्पृश्यता का भाव नहीं। क्योंकि राम उनके आदर्श थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपने जीवन का आदर्श मान करके उस आदर्श के रूप स्वयं जीवन जीना और उसके अनुरूप अन्य लोगों को भी प्रेरणा प्रदान करना, उसके अनुरूप अन्य लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करना। अनेक ऐसे उदाहरण हमारे पड़े हैं, आपने आप में से ज्यादातर लोगों ने प्रबले महंत अवैधनाथ जी महाराज के उद्बोधन को, उनके वक्तव्य को अक्सर सुना होगा, जाना होगा। आप में से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने प्रबले महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को सुना होगा या उन्हें देखा होगा। लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव प्रबले महंत अवैधनाथ जी महाराज का दर्शन और उन्हें सुनने का अवसर आप में से अधिकतर लोगों को प्राप्त हुआ होगा। भाषण का एक पाठ जरूर सामाजिक समरसता के लिए समर्पित होता और वह उसके तो अपनी सहजता अपनी सरलता के अनुरूप वह निरंतर इस मुद्दे को छूते और सदैव इस बात के लिए प्रेरित करते थे कि अतीत की गलतियों के परमार्जन का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है और इस परमार्जन के माध्यम से ही हम एक समर्थ और सशक्त
देश आजाद हुआ और ये भाव जो उनके मन में था जिस मुद्दे को लेकर के वे कार्य करते रहे उसके अनुरूप उन्होंने जीवन भी दिया और उसके अनुरूप उन्होंने अपने लोगों को प्रेरणा प्रदान की और यही कारण कि व्यापक परिवर्तन समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हम सबको देखने सुनने को प्राप्त हुआ। आज के इस अवसर पर जब महाराष्ट्र शिक्षा परिषद की ओर से गोरखपीठ के इन दोनों पूज्याचार्यों के प्रति श्रद्धांजलि का यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, मैं मानता हूं कि शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं की उपस्थिति नहीं हो सकती थी क्योंकि COVID-19 का प्रोटोकॉल है, उस गाइडलाइन का पालन करना, उसमें बहुत व्यवस्थित तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को मानवता शिक्षा परिषद और गोरखपीठ की ओर से आयोजित किया है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें मूल्यांकन करना होगा अपने आप अपनी संस्था का कि क्या हमने महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और महंत वैद्यनाथ जी महाराज की भावनाओं के अनुरूप अपनी संस्थाओं के विकास के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया है या नहीं किया। याद रखना, सफलता का कोई एक स्तर नहीं हो सकता और अगर हमारी संस्था या हमारा कार्य अन्यों के लिए प्रेरणादायी न हो सकता हो, अन्य लोगों के लिए मानक न बन सकता हो, अगर हमारे व्यक्तित्व अन्य लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा नहीं बन सकती तो हमें स्वयं के मूल्यांकन को अवश्य करना चाहिए। ऐसा बनाइए कि आपका कार्य क्षेत्र आपकी संस्था औरों के लिए मानक बन सके, औरों के लिए आदर्श बन सके। एक अवसर है, कोरोना काल खंड तो एक अवसर है जहां पर नए प्रयोग करते हुए हम लोग अन्यों को भी इस दिशा में प्रयास प्रेरित कर सकते। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, शिक्षण प्रशिक्षण का क्षेत्र पिछले 5-5.5 महीनों से स्कूल कॉलेज बंद है, वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ हुई। हमेशा क्या परिवर्तन ला सकते हैं कि बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन हो सके, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सके। टेक्नोलॉजी का मतलब एकदम हाई फाई नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी का मतलब एकदम महंगा नहीं हो सकता। तकनीक सस्ती भी हो, सहज भी हो, सुग्राह्य भी हो और सहजता के साथ लोगों को प्राप्त हो, उसको प्राप्त भी कर सके। कार्यक्रम केवल यहां पर कुछ सीमित संख्या में लोग इस कार्यक्रम में बैठते रहे, दोनों सत्रों में प्रातःकालीन सत्र में इन दोनों महापुरुषों ने जिसके लोग जीवन जिया उससे जुड़े हुए विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए सम्मेलनों का आयोजन हो रहा, सायकालीन सत्र में जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य राघवाचार्य जी महाराज की पावन यहां पर उनके सम्मुख से नाम की पावन कथा के श्रवण का आनंद भी प्राप्त होगा। लेकिन तकनीक के जो ये लोग यहां पे बैठेंगे उनको तो साफ सुनाई देगा, दिखाई भी देगा, लेकिन जो यहां पर नहीं है, नहीं आ सकते, उन लोगों के लिए विभिन्न अन्य
मुझे लगता है आने वाले समय में महाराष्ट्र शिक्षा परिषद अपने संस्थानों के माध्यम से कुछ छात्रों को क्लास में उपस्थिति के माध्यम से कुछ को वर्चुअल रूप से उनके घरों तक जोड़ने का माध्यम बना सकते हैं। एक नया तरीका हम लोग अपना सकते हैं, कम खर्चे में ज्यादा लोग बनाएंगे वह उतना ही ग्राह्य होता बन जाएगा और अपनी सहज और सरलता से आम जन की उसको अपनाता हुआ दिखाई देगा। ऐसा ही कार्य हम तकनीकी संस्थाओं के लिए भी कर सकते हैं। तकनीकी संस्थाएं भी इस कार्य को कर सकती और तकनीकी संस्थाओं की बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है। टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे एक सामान्य नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, आपने देखा होगा पूरे कोरोना कालखंड में जो भी पैसा हम देते थे गरीब के खाते में पैसा सीधे पहुंच जाता, उसको बैंक में जाने की या उसके पास कोई व्यक्ति जा करके पैसा उसके उसके साथ उसके पहुंचा इसकी आवश्यकता नहीं थी। एक बटन दबाया करोड़ों लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच जाता। तकनीक का उपयोग, तकनीकी संस्थाएं उस तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का रास्ता निकाल सकते हैं, ये कार्य हो सकता है। कैसे हो सकता है इस पर विचार करना। कोरोना का मतलब सारे कार्य को ठप कर दो ये नहीं हो सकता। बीमारी का मतलब ये नहीं हो सकता कि हम पलायन कर जाए। हमें इस चुनौती से जूझना पड़ेगा। स्वयं का बचाव करते हुए लोगों को बचाव के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, लेकिन तकनीक का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों को बचाव का मार्ग भी प्रशस्त में करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर सकती है, तकनीक से भी जुड़ सकती है। जो कोविड हॉस्पिटल है वहां पे तो केवल कोरोना से जुड़े हुए मरीजों का उपचार हो रहा, लेकिन जो नॉन कोविड हॉस्पिटल है उनको कोरोना से बचते हुए शेष मरीजों को बेहतर और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करानी एक बड़ी चुनौती के सामने। ये कार्य बेहतरीन तरीके से हो सकता है, कुछ नया बन करके हम कर सकते हैं, इसमें रुचि लेनी पड़ेगी। हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं मानवता की सेवा का और लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का। एक महत्वपूर्ण कालखंड भी है कोविड-19 की चुनौती के बीच इस प्रकार के अनेक नए प्रयास किए जा सकते हैं और ये प्रयास करने का एक माध्यम स्वयं बचते हुए लोगों को बचाते हुए हम लोगों के जीवन में मंगल कामनाओं की ओर उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, एक भाव हम लोग इसके माध्यम से पैदा कर सकते हैं। ये कालखंड हमारे लिए और तरीके से उपयोगी हो सकता है। कोरोना का मतलब ये नहीं कि शिक्षण संस्थाएं पूरी तरह ताला बंद करके बैठ जाएं, सामान्य साफ सफाई न हो। जब 6 महीने 7 महीने के बाद विद्यालय आपके खुले तो विद्यालय देखने लायक न बने। साफ सफाई तो नियमित होनी चाहिए विद्यालयों में। हम वहां की लैब को, वहां की लाइब्रेरी को, वहां के क्लासरूम को, वहां के ऑफिस को, वहां के अन्य संस्थाओं की मरम्मत आदि के कार्यक्रम को भी बहुत व्यवस्थित रूप से आगे कर सकते हैं कि जब विद्यालय खुले उस समय जब बच्चे आए वे सीमित संख्या में ही क्यों न हो उस समय वह उस प्रकार का दर्शनीय लगे, उसको कुछ चेंज दिखाई दे, कुछ परिवर्तन दिखाई दे। याद रखना आप जीवन में सफल तब हो सकते हैं जब चुनौती से दो कदम आगे आप स्वयं आगे चलने की रणनीति के तहत कार्य कर सके। अगर हम चुनौती के पीछे हैं तो कभी सफल नहीं होता है। अगर हम चुनौती से प्लान कर रहे हैं सफलता कभी आपके पास नहीं आ सकती। चुनौती से दो कदम आगे बढ़ते हुए हम उसके अनुरूप रणनीति, चुनौती से बचते हुए, संक्रमण से बचते हुए और सफलता का मार्ग प्रशस्त
आश्वस्त करने के लिए जब हम पूरे जज्बे के साथ कार्य करेंगे तो सफलता हमें मुझसे प्राप्त होगी। और कोरोना कालखंड इसके लिए हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज की इस अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा कि हमें मूल्यांकन भी करना चाहिए। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के अवसर पर महाप्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाएं अपना मूल्यांकन करें और इस बात का मूल्यांकन करें कि उन्होंने क्या प्रगति की, कहां पर उनकी प्रगति बाधित हुई, कहां पे कौन सी खामी है कि जिसे आप आपस में बैठ करके उसकी समस्या का मार्ग निकाल सकते हैं। ये सभी कार्य हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि अपने संस्थापकों के प्रति माणा प्रताप शिक्षा परिषद का और अपने पूर्व आचार्यों के प्रति गोरखपीठ का यह एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी। हम एक बार फिर से आज के अवसर पर जब ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हुए हैं, महापुरुषों को स्मरण किया, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला को कोरोना कालखंड के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसका पालन करते हुए यहाँ पर आयोजित किया है यहाँ पर किया है। सचमुच यह शिक्षा परिषद और गोरखपीठ दोनों से जुड़े हुए जो भी आयोजक मंडल से जुड़े हुए सदस्यगण हैं वे सभी साधुवाद के पात्र हैं। मैं आज के इस अवसर पर जिनकी प्रेरणा और जिनका आशीर्वाद हम सबका एक बहुत बड़ा संबल सब विषम परिस्थितियों में सदैव बना रहा है, ऐसे रमणीय गोरख पीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उस पूज्य संत की उसी चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की प्रेरणा और उनका प्रकाश माणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरखपीठ को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेगी। हम लोग उसके रूप निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज का एक कार्यक्रम श्रद्धांजलि के हिस्से हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। आज शिक्षक दिवस के देश के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती का दिन भी है। देश के ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गुरुजनों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हमें प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। अभी इसी सप्ताह देश के पूर्व राष्ट्रपति देश के वरिष्ठ राजनेता श्री प्रणब मुखर्जी भी दिवंगत हुए। राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता पारदर्शिता और स्पष्टवादिता के साथ कैसे राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठाओं के कारण हर नागरिक सम्मान का पात्र बन सकता है, प्रणब मुखर्जी उसके एक आदर्श उदाहरण है। अभी विगत सप्ताह ही उनका देहावसान हुआ है। मैं इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे वरिष्ठ सदस्य
रहे डॉक्टर पीपी साहिब, इस कोरोना कालखंड में वह कोरोना संक्रमण के चपेट में आ गए थे और उनका दुखद निधन हुआ है। वे माना प्रताप शिक्षा परिषद से बहुत लंबे समय से जुड़े थे, उनके पूज्य पिताजी भी माना प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े थे। आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है। मैं माना प्रताप शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम में डॉक्टर टीपी साही जी को भी एक नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन सभी महानुभावों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में कोरोना से जूझते हुए औरों को बचाते हुए स्वयं इसके शिकार हुए हैं, उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम सब शासन के दिशा निर्देशों के लोग कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते थे। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने में अपने अपने स्तर पर सहयोग देंगे। मैं एक बार फिर से रमले महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को उनकी 91वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।